जैसे पहले इस आपने बात की, लास्ट सीरीज बहुत अच्छी खेली। मेरी मेरी कोशिश होगी कि मेरी पहली चॉइस वही होगी, लेकिन कोशिश करेंगे कि वहाँ जाके देखें किस कम्बिनेशन के साथ खेलेंगे, क्या बैटिंग लाइन होगी हमारी, तो कोशिश करूंगी जो बेस्ट इलेवन होगी उसके साथ जाएंगे। बाबर, नायब कप्तान का प्लेइंग इलेवन में होना कितना जरूरी होता है, कि एक लाजमी होता है कि वो प्लेइंग इलेवन का हिस्सा हो, या अगर नहीं है तो उसको प्लेइंग इलेवन का हिस्सा भी ना हो? मेरे ख्याल से जरूरी नहीं होता। अगर वाइस कप्तान है तो अगर वो ना खेले तो उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। कोशिश होती है कि इस टीम में मेरा मानना ये है जो बेस्ट इलेवन होती है उसके साथ जाए, और जो जिस सिचुएशन जो पोजीशन होती है वो हिसाब से हम देखते हैं कि क्या सूट करता है, तो ये चीज़ मेरे ख्याल से इतनी मैटर नहीं करती। हम आखिरी एक साल देख लें, जब आप श्रीलंका से टकराएंगे तो एक साल हो चुका होगा, इस दौरान हमने 9 मैचेस खेले, सिर्फ एक विक्ट्री हमें श्रीलंका के खिलाफ मिली, आप उससे बेहतर जानते हैं, तो समझते हैं कि पाकिस्तान जीत नहीं पा रहा, अल्लाह करे कि अब आप जा रहे हैं वहां पे विक्ट्री मिले, अगर खुदा ना खास्ता हम ये सीरीज हाथ से जाती है तो आप गौर करेंगे कि आप कप्तानी किसी और को सौंप दें, अगर हम नहीं जीत पा रहे मुसलसल एक साल नहीं जीत पा रहे तो फिर कप्तानी का भी तो फॉल्ट हो सकता है। बिल्कुल, देखो जो अगर पास की बात करें, बिल्कुल हमने क्रिकेट अच्छी नहीं खेली इसलिए मैच नहीं जीते, थोड़ा सा अनएक्सपीरियंस थी क्योंकि कुछ इंजरीज की वजह से हम थोड़ा सा लैग किए, क्योंकि जब तक आप 20 आउट नहीं करेंगे तो आप मैच ही नहीं जीतेंगे, और वहां पे सीरीज ड्रॉ हुई थी, हारे भी थे, इंशाल्लाह इस बार ही कोशिश करेंगे कि जीतें। और ज्ञान तक रही आप कप्तानी की बात कर रहे हैं, मेरे ख्याल से जो मेरा बेस्ट है वो मैं दे रहा हूँ, और ये डिसीजन किसी भी का, तो आप ज्यादा मेरे ख्याल से अगर उनसे पूछे तो ज्यादा अच्छा भुजवा देंगे आपको। अभी क्योंकि चेंजेस आ रही हैं, पता नहीं हार मशीन होंगे, तो बैक टू बैक जो चेंजेस हो रही है, बीइंग कैप्टन आपके लिए कितना मुश्किल है, वर्ल्ड कप प्लेयर है, एक नई सिलेक्शन कमेटी के साथ बैठना, फिर उनका माइंडसेट समझना, फिर वो नए लड़के बनाना, तो थोड़ा सा डिस्टर्बिंग है बीइंग कैप्टन के, इतनी ज्यादा चेंजेस हो रही है, शफलिंग हो रही है मैनेजमेंट के अंदर? हमारा काम है क्रिकेट खेलना, और हम कोशिश करते हैं क्रिकेट पर फोकस किया जाए, किसी में क्या हो रहा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, ये हम उस पर कम ही फोकस करते हैं, क्योंकि हम एज अ टीम हमारा काम है, क्योंकि पूरे साल का शेड्यूल हमारे पास है कि कहाँ कहाँ हमने क्या क्या क्रिकेट खेलनी है, उसके लिए हम उसको उस पर ज़्यादा फोकस करते हैं, लेकिन जो बेस्ट होता है, जो मुझे चाहिए होता है, वो मैं अपना मैसेज कन्वे कर देता हूँ, और वो मुझे मिलता है, और इस चीज़ों पर ज़्यादा हम फोकस नहीं करते। बेसिकली वो कंपटीशन नहीं था, वो ट्रेनिंग थी हमारी, और कुछ टेस्ट लिए जा रहे थे, उससे पहले आपने देखा हमने 2 किलोमीटर की भी किया होगा, उसके बाद फिर हमने ये जो आप कह रहे हैं कि कंपटीशन था, वो सिर्फ ये है कि फिटनेस टेस्ट जो थे हमारे वो लिए जा रहे थे, हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, आगे जो क्रिकेट आ रही है उसके लिए हमने प्रिपरेशन करनी है फिटनेस के हवाले से, तो बिल्कुल हमने इंजॉय किया। और जिस तरह आपने बात की है कि मेजबान जीत गया, मैं ख्याल से तीसरे चौथे भी आए, और दूसरा आपने क्या कहा था, बिल्कुल मेरे ख्याल से यहाँ पे होना चाहिए था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ मसले की वजह से वो नहीं आ पाए, लेकिन जिस तरह बोलर्स ने अपनी प्रिपरेशन की है, क्योंकि देखें सारे खेलते आ रहे हैं, सारे एक्सपीरियंस है, सबको पता है कि कैसे क्या किस चीज़ पे काम करना है, वहाँ की कंडीशंस क्या होंगी, और वहाँ पे बॉलिंग किस तरह की होगी, तो मेरे ख्याल से जो हमारी फास्ट बॉलिंग थी उन्होंने उस पर काफ़ी काम किया।